टीम जो डिजर्व नहीं करती है टॉप 16 के लिए, वो मेरे को लगता है जो हिल बैटल करती है वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मेरे को थोड़ा एग्रेसिव फन मज़ा आता है, पर जो हमको उसके चक्कर में भी हिल बैटल करना है क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो टीम्स डिजर्व नहीं करती। वो टीम्स के नाम है जो डिजर्व नहीं करती है, एक CS स्पोर्ट्स, फिर टीम फॉर एवर, हाइड्रा स्पोर्ट्स जो हिल बैटल करती रहती है, ORB हो गए उसमें से एक। वेल वेल वेल, आई थिंक इस टीम के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि टीम के अंदर है दो बिग ब्रेन प्लेयर्स, एक है शैडो, दूसरे क्लच गॉड, और दो फायर पावर से भरपूर प्लेयर्स। अभी रिजल्ट जो है वो ज़्यादातर फायर पावर के हमको देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज दो मैचेस में फिनिशेस काफ़ी ज़्यादा इस टीम ने निकाले, लेकिन क्या लगता है चिकन डिनर आएगा अगले गेम में? सी आई थिंक अगर दो प्लेयर टीम में इतने कॉन्फिडेंट है देन उनको डरने की बात नहीं है, और जब हम फायर पावर की बात करें अगर वो फायर पावर फेल हो जाए तब टेंशन की बात है, अभी उनका फायर पावर बढ़िया चल रहा है। सर्टेन साइड हुआ है और फिर से ये मन में वो घबराहट है और थोड़ा सा अगर फोकस हो पाता, ये जो ऊर्जा है कुछ ज़्यादा ही है। इनफैक्ट भाई इनविजिबल इंक का इस्तेमाल किया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लाला 2.0 तो दिख रहा है, नहीं उसके ऊपर जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है, पर ठीक है, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि समर्थक बहुत ज्यादा हैं और